संगवारी मन सब्सक्राइब करा सीजी टेक चैनल ला और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले मोर संगवारी मन देख सकें। अगर आप मन के पास भी UTI PSA पोर्टल के यूज़र आईडी और पासवर्ड हवा पैन कार्ड बनाए बा तो ये वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप कि प्री फॉर्म एंट्री कैसे करना है, मेन फॉर्म एंट्री कैसे करना है। तो ये वीडियो ला शुरू से आखिरी तक आप मन जरूर देखिया, आप मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मन मोर वीडियो ला अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर देहा और बेल आइकन के बटन ला जरूर दबा देहा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड कराओ तो सबसे पहले आप मतलब मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र वगैरह ओपन कर ले हा, फिर UTI PSA के पोर्टल में चल दे हा। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाले के ऑप्शन हुआ है, वहाँ पे अपन यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर ले हा। ऊपर में जो ताला के ऑप्शन दिखाता है लॉक की वाला, वहाँ पे अपन यूज़र आईडी पासवर्ड भी अपन सेव रख सका था। ठीक है, ये मैं कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर लेवा था 1038 ओके ये मैं लॉगिन कर दें। यहाँ पर आप मतलब बहुत सारा मेनू मिला थे, जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर में प्रोसीज टू मैनुअल वगैरह हुआ और किसी किसी प्रोसीजर करना मिल जाए। यहाँ पर फॉर्म 49 के ऑप्शन है, यहाँ पर 49 के बाद CSF सर्विस है और उसके बाद माई अकाउंट और लॉग आउट हुआ है। अभी मैं है फॉर्म 49 की सर्विस ला बता हूँ। CSF सर्विस में न्यू पेन कार्ड करेक्शन वगैरह में यूज़ किया जाते हैं। तो फॉर्म 49 सर्विस के अंदर में आप मतलब मिल जाए अवेलेबल ई कूपन वगैरह है, और बाद प्री फॉर्म एंट्री वगैरह है और रिजनरेट एक्नोलॉजमेंट नंबर, मतलब पूरा न्यू पेन कार्ड बनाए के पूरा प्रोसेस है फॉर्म 49A में मिल जाए। ये मैं कूपन कोड ला दिखाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे दो कूपन कोड है, अपन कूपन वगैरह में जहाँ तो कूपन अपन के पास कितना अवेलेबल है वो आप मतलब मिल जाए। यहाँ पर मैं प्री फॉर्म एंट्री में जाता हूँ। यहाँ पर प्री फॉर्म एंट्री कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहले आप मतलब अगर सिंगल पर्सन के बनाना है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप मन बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड ला सेलेक्ट कर ले हा। अगर दोनों पैन कार्ड चाहिए, ई पैन कार्ड और आप फिजिकली डाक के थ्रू भी चाहिए, दोनों ऑप्शन ला सेलेक्ट कर ले हा। यहाँ पर आप मन एप्लीकेशन टाइटल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम डाल दें। एप्लीकेशन टाइटल नेम जैसे ही आप मन डालिया तो जेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाए हैं, जैसे श्री डले है तो इमेर मेल आ गए। ठीक है, और बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह है यहाँ पर, व्हेन वेयर मदर सी सिंगल, अगर माँ हाँ सिंगल हवा है ना, पिताजी नहीं है, पूरा कर्ता धर्ता माँ है, तो यहाँ पर आप मन सिर्फ मदर्स ऑप्शन ला सेलेक्ट कर ले हा। अदरवाइज यहाँ पर आप मन ला नो करके फादर्स ला फादर्स नेम सेलेक्ट करे पड़ी। फिर यहाँ पर आप मन फादर्स नेम डाल दें और मदर्स नेम अगर आप मन डालिया तो भी ठीक है, नहीं डालिया तो भी प्रोसेस ले ली ही, अगर नहीं ली प्रोसेस तो यहाँ पर डाल दें मदर्स नेम ला। रेसिडेंशियल स्टेट आप मन यहाँ पर सेलेक्ट कर ले है का नीचे हुआ ओके। ऑफिस स्टेट तभी सेलेक्ट करिया जब अगर आप मन ऑफिस के एड्रेस वगैरह देहा था, जिसमें है छत्तीसगढ़ एक रेसिडेंशियल स्टेट सेलेक्ट करना, ऑफिस स्टेट कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपन जैसे रेसिडेंशियल स्टेट सेलेक्ट करिया तो यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में रेसिडेंसी करना है ओके ओके। यहाँ पर आपन चेक आधार के जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर आपन के आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो पूरा टोटली आपन आधार के अनुसार ही फिल करिए, कवर कि यहाँ पर आपन आधार के डिटेल डाला था। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ है, मैं तीनों में आधार ऑप्शन ला सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आप मन ला कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, यहाँ पर आप मन ला ईमेल आईडी डाल देना है जिनमें आप मन ला ई पैन कार्ड चाहिए ओके। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में आप मन इंडियन डाल दें और यहाँ पर सबसे नीचे में नॉर्मल ऑप्शन करके सबमिट कर दें, ये मैं यहाँ पर सबमिट कर दिया हूँ। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप मन के पास इस टाइप के एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकल ही, यहाँ पर आप मतलब चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो मेंशन्ड है मैच्ड है, ये मैच्ड ऑप्शन में होना चाहिए। अगर मैच्ड ऑप्शन नहीं रही तो आप मन के पास सेकेंडरी ऑप्शन ओपन नहीं हो है, मेन फॉर्म एंट्री ऑप्शन नहीं खुली। तो सबसे पहले आप मन देख लिया कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में मैच्ड होना चाहिए, अगर मैच्ड नहीं हो है तो आप मन एडिट प्री फॉर्म एंट्री में जाके फिर से वाला एडिट कर ले और आधार कार्ड के अनुसार फिर से डेटा फिल करके सबमिट कर दे हैं ओके। और बाद आप मन मेन फॉर्म एंट्री में जाए तो आप मन के मेन फॉर्म खुल जाए, चूँकि मोर मेन फॉर्म एंट्री पहले से हो चुके हवा है
तो आप मतलब मैं हमें इनफॉर्म एंट्री की स्क्रीन शॉट में दिखाता हूँ। ये सबसे पहले एरिया कोड वगैरह ऑप्शन पूछी, फुल नेम वगैरह पूछी, तो यहाँ पर आप मतलब कुछ भी फिल नहीं करना है, आप मतलब डायरेक्ट 7 नंबर के ऑप्शन में आ जाना है जहाँ पर एड्रेस वगैरह पूछी। एड्रेस में आप मन अपन जो एड्रेस है आधार के अनुसार वो एड्रेस डाल दें। एड्रेस फिल करने के बाद अगर ऑफिस एड्रेस है तो ऑफिस एड्रेस डाल दें। फिर डायरेक्ट 13 नंबर में आ जाए, सोर्स ऑफ इनकम में सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। और बाद लास्ट 16 नंबर में आ जाना है। 16 नंबर में आए के बाद अपन हिमसेल्फ वगैरह ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और बाद वेरीफाई नेम वगैरह आ जाए ऑटोमेटिकली। यहाँ पर सिर्फ आप वेरीफिकेशन प्लेस बस डालिया, ओके, और बाद सिंपली सबमिट कर देना है। अपन के प्री फॉर्म मेन फॉर्म एंट्री हो गए। अब और बाद फिर से फॉर्म 49 सर्विस में आ जाना है, ओके। ये मैं फॉर्म 49 सर्विस में आ जाता हूँ। यहाँ पर रीजनरेट पेन एप्लीकेशन के ऑप्शन हवा है। रीजनरेट पेन एप्लीकेशन में अपन जाके अपन सिंपली एप्लीकेशन नंबर डालिए। ये मैं रीजनरेट पेन एप्लीकेशन ला क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपमन ये एप्लीकेशन नंबर डाल दे हाँ, जो आपमन के एप्लीकेशन रिसिप्ट में मिले हुए हैं, ठीक है। ये सिंपली मैं यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ, 002632, ओके। ओकर बाद सबमिट कर देना है। अभी आप मन के पेज निकल गए, और ये पेज ला आप मतलब प्रिंट आउट कर लेना है। यहाँ पर आप मतलब फ़ोटो चिपकाना है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ओके। ये आप मन के पूरा डेटा फिल हुए रही है, ओके। नीचे में कस्टमर के साइन लेना है, यहाँ पर उसका लेफ्ट साइड में डेट डाल देना है, और सबसे ऊपर में यहाँ पर आप मतलब फ़ोटो के ऊपर क्रॉस साइन करवाना है। बस फेस में साइन नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेन से साइन करा लेना, और यहाँ पर ये बॉक्स में साइन करा लेना है, ओके। और बाद अपन जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करा था आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी में साइन करा लेना, ठीक है। और आप मन के जो रिसिप्ट निकले हुए हैं ओकरो रिसिप्ट में नीचे में साइन करा के एक ओकर फोटोकॉपी करके कस्टमर ला दे देना है, वो कस्टमर के पावती हो जाए। इस टाइप से आप मतलब प्री फॉर्म एंट्री, मेन फॉर्म एंट्री और जनरेट पेन एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। तो संगवारी मन आप मतलब मोर वीडियो कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। मोर वीडियो ला लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया, बेल आइकन के बटन ला जरूर दबा दें, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब बताऊँ डॉक्यूमेंट्स के रीसाइज कैसे करना है, ओकर रिजोल्यूशन सेट कैसे करना है, तो वीडियो ला जरूर देखिए। धन्यवाद।